पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे के साथ मारपीट कर दी। पुलिस भाजपा युवा मोर्चे के महानगर अध्यक्ष को गिरेबान से पकड़कर गाड़ी में डालती हुई नजर आई। पूरी घटना को भाजपा के ही एक कार्यकर्ता ने फेसबुक लाइव के जरिए सार्वजनिक किया है। रात में ही भाजपा के शहर विधायक रितेश गुप्ता भी मौके पर पहुंच गए। घटना शुक्रवार रात की है। मजोला थाना क्षेत्र में दिल्ली रोड पर स्थित ग्रीन ऑर्चिड में नाइट कर्फ्यू के बावजूद नए साल का जश्न चल रहा था। बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं ने पार्टी का आयोजन किया था। इसमें शराब पी परोसी जा रही थी। पार्टी में किसी बात को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के पश्चिम क्षेत्र के कार्यकारिणी सदस्य निखिल यादव और भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे के बीच कहासुनी हो गई। दोनों में भिड़ंत हुई तो अभिषेक चौबे ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस को आता देख भारतीय जनता युवा मोर्चा के पश्चिम क्षेत्र का कार्यकारिणी सदस्य निखिल यादव मौके से खिसक गया। अभिषेक के साथ ही युवा मोर्चा के महानगर मंत्री अभिषेक राठौर ने निखिल के पीछे पीछे जाकर उसका फेसबुक लाइव करना शुरू कर दिया। अभिषेक राठौर को फेसबुक लाइव में कहते हुए सुना जा रहा है, देखो ये निखिल यादव है, इनके पिताजी बिलारी से टिकट मांग रहे हैं। इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अध्यक्ष जी और उनके परिवार के साथ बदतमीजी की है। ये नशे में है और इनके लोग साथ में है। वहाँ न्यू ईयर के उपलक्ष्य में एक पार्टी रखी गई थी, जिसमें माँ सोसाइटी के सभी बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी उपस्थित थे। लगभग 10 बजे मैं अपने परिवार के साथ भोजन करके अपने घर चला गया था। 11:30 बजे मेरे पास सोसाइटी के एक निवासी का फ़ोन आया कि नीचे मारपीट झगड़ा हो गया है और आप पुलिस को फ़ोन करके सहायता मंगा दीजिए। मैंने एसओ मजोला को फ़ोन किया और मैंने उनसे पुलिस की सहायता मंगाने के लिए कहा। मैं कपड़े पहन के जब नीचे पहुंचा तो वहां निखिल यादव पुत्र नरेश यादव बिलारी से, जो प्रत्याशी अपने आप को घोषित कर रहे हैं, जो अपने टिकट मांग रहे हैं, वह उनके साथी सोसाइटी के लोगों के साथ मारपीट कर रहे थे। वहाँ एक 15 साल का लड़का था जिसको वो लोग डंडों से मार रहे थे। मैंने बीच बचाव किया तो वहाँ पे चौकी इंचार्ज बालेंद्र यादव, जो लाकड़ी चौकी इंचार्ज हैं, उन्होंने जो बच्चा पिट रहा था उसी को उठा के पुलिस की जीप में डाल दिया। जब उन्होंने उसे पुलिस की जीप में डाला तो मैंने उसका विरोध दर्ज किया कि जो पिट रहा आप उसी को जीप में डाल रहे हैं। तो उन्होंने मेरे कहने पर, मेरे विरोध दर्ज कराने पर, उस लड़के को गाड़ी से उतार दिया। लेकिन उसी बीच निखिल यादव के साथी ने आकर मुझ पर हमला किया और मुझे चोटिल किया। मैंने जब अपना ये विरोध दर्ज कराया तो बालेंद्र यादव ने अपने साथियों के साथ मेरे से लाठी पे हमला कर दिया। मेरे साथी महामंत्री वहाँ उपस्थित थे, मेरे से फ़ोन पर बात हुई थी, मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पर हंगामा हो गया, तो वो भी पहुँच गए थे। उन्होंने तुरंत अपना, जब देखा कि पुलिस सहयोग नहीं कर रही है, तो उन्होंने फेसबुक लाइव अपने फ़ोन से चलाया। जब पुलिस ने देखा कि फेसबुक लाइव में उनकी वीडियो बन गई है तो उन्होंने उनसे फ़ोन छीना और अभिषेक राठौर, जो मेरे महानगर के महामंत्री हैं, उनको जमीन पर गिराकर 7 से 8 पुलिस वालों ने नशे की हालत में उन्हें बहुत मारा, जिससे उनके दाहिने हाथ उल्टे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। मेरे साथी उपाध्यक्ष हेमंत चौधरी जी भी थे। हमलावरों ने उन पर भी हमला किया, पुलिस वालों ने हमें मारा, हमें गाड़ी में बैठाया, हमें थाने लेके आए। थाने में लाने के बाद भी पुलिस वालों ने नशे की हालत में हमें गालियां बकी, हमें मारा। यह सारा प्रकरण जो है वह एसओ मजोला को पता था। मेरी 2 बार उनसे बात हुई थी। जब झगड़ा हुआ था उसके बीच भी मैंने उन्हें फ़ोन किया था कि आपकी पुलिस यहाँ सहयोग करने की जगह अपराधियों का और जो हमलावर है उनका साथ दे रही है। तो उन्होंने मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब मैं थाना पहुंचा और मैंने माननीय विधायक जी को फोन किया था, माननीय विधायक जी जब पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ता जब पहुंचे, उन्होंने देखा कि भाजपा कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने अपने पुलिस के सभी जो सिपाही और दरोगा थे जो नशे की हालत में थे, उन्हें वहां से भगाने का काम किया। भगाने के बाद उन्होंने हमारा मेडिकल कराया, उन पुलिस वालों का मेडिकल नहीं कराया, जिसकी हमने उनसे मांग की थी कि उनका मेडिकल होना चाहिए, वो नशे की हालत में है। वो लोगों को वहां से भगा दिया गया, हमें मेडिकल के लिए भेजा गया, हमारा मेडिकल हुआ। डॉक्टर ने मेरे बताया कि आपके शायद नाक में फ्रैक्चर हो सकता है और अभिषेक राठौर जो है उनके हाथ में फ्रैक्चर को उन्होंने पुष्टि करी। उन्होंने आज हमें एक एक्सरे के लिए करने के लिए पर्ची लिखी थी, लेकिन आज जब हम सुबह थाने गए और हमने पर्ची मांगी तो वहाँ हमसे कह दिया गया, पहले कहा गया कि एसओ साहब आएंगे तब देंगे, और अब जब हमने उनसे पर्ची मांगी तो वहाँ झूठ बोला गया कि पर्ची दे दी गई है। इस तरीके से ये पता चलता है कि ये पुलिस की मिलीभगत के साथ, उस हमलावर के साथ पुलिस की मिलीभगत से हम पे हमला हुआ। ये एक सोची समझी साजिश थी और हम पे जानलेवा जो हमला हुआ उसके बारे में आज हमने आईजी शलभ माथुर जी को अवगत कराया है कि वह इस चीज़ की जांच कराएं कि किस वजह से पुलिस ने इस तरीके का रवैया हमारे साथ अपनाया
और जो भी ये निखिल यादव और उसके साथी आरोपी हैं और पुलिस महकमा जो मझोला थाने की पूरी पुलिस है जो कल नशे की हालात में जानवर बन बैठी थी, जो हमारी जान को हमारी जान के दुश्मन बन बैठे थे, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मेरी पुलिस प्रशासन से और आपके माध्यम से इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हम सब आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम दिन रात पार्टी के लिए काम करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी हमारी सुनवाई करेगी, हमारी सरकार हमारी सुनवाई करेगी उस आरोपी निखिल यादव पर और जो दरोगा था बालेंद्र यादव, सिपाही सचिन कुमार, उनके साथ के सभी सिपाहियों पर, उस हमलावर के सारे साथियों पर कानूनी रूप से कार्रवाई होगी। उन पर हमसे जान से मारने की जो कोशिश की गई उसकी धाराएं लगेंगी। मेरा अपने मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि कार्यकर्ता जो है संगठन के लिए दिल जान से लगा रहता है और वहां पे सीसीटीवी फुटेज में, सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज में सारी चीजें क्लियर हैं। हमने विधायक जी के लिए अपशब्द बोले गए, जब हमने विधायक जी को फोन करा तो मैं शब्दों का आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं एक सिपाही थे, उन्होंने जो विधायक जी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया कि बुला लो उसे और उसके बाप को भी और हम देख लेंगे कर लेंगे, बहुत गंदे तरीके से मैं आपके मीडिया पे, बात भाजपा की सरकार की नहीं है, ये जो पुलिस कर्मी है ये कहीं ना कहीं पुरानी सरकारों में जो भर्ती हुई है उनकी मानसिकता के लोग हैं और कहीं ना कहीं ये लोग आने वाले समय में, आज जो इनको धन उगाही करने में का मौका नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार पे माननीय योगी जी सरकार में अंकुश लगा है, उससे ये परेशान होकर भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं जिससे कि सरकार की और पार्टी की बदनामी हो, चुनाव को प्रभाव किया जाए और ये लोग कहीं ना कहीं समाजवादी एजेंडे पे, जिस तरीके से समाजवादी के पार्टी के लोग गुंडागर्दी करते हैं उसी तरीके से कल इन पुलिस वालों ने और उस व्यक्ति ने मिलकर गुंडागर्दी करी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।